नागपुर स्थित रेशमबाग मैदान पर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल विदर्भ द्वारा आयोजित होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो का उद्घाटन पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण एवं गृह निर्माण मंत्री अतुल सावी के हाथों संपन्न हुआ। इस वक्त उन्होंने हेडगेवार स्मारक के दर्शन किए। इस कार्यक्रम के समय बोलते हुए मंत्री अतुल सावे ने जानकारी दी कि अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मोदी आवास घर कुल योजना क्रियान्वित की जा रही है और इस योजना के तहत राज्य में 10 लाख घर बनाए जाएंगे, जहां की जिला परिषद एवं अन्य विभागों की ओर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ये आवास बनाए जा रहे हैं। जहां मंत्री सावे ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का नेटवर्क तैयार किया गया है, जहां के इस शहर में स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी SRA और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी माड़ा की विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो विदर्भ का आज ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, क्या बताओगे सर नरेडको के बारे में? नरेडको विदर्भ का आज जो उन्होंने एग्जीबिशन इधर ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। राउंड अबाउट 70 हाउसिंग के स्टॉल्स लगाए हैं और नागपुर के सभी लोगों को, जनता को, व्हाट इज द प्रोडक्ट अवेलेबल इन नागपुर, सस्ते से सस्ता 6 लाख तक का और महंगे से महंगा 6 करोड़ तक के घरों का उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन किया है। और मुझे मतलब भरोसा है कि आने वाले 3 दिनों में नागपुर के सभी नगरवासियाँ यहाँ पे आएंगे, ये एग्जीबिशन देखेंगे और इस एग्जीबिशन के माध्यम से डेफिनेटली अपना माइंडसेट बनाएंगे कि अपना खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि भारत देश के हर आदमी का अपना खुद का घर होना चाहिए और उसके लिए डेफिनेटली नाडेको इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस। वो मोदी हाउसिंग में भी काम करते हैं और अभी जो हमारी OBC डिपार्टमेंट के माध्यम से 10 लाख घर बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी उन्होंने हमको हेल्प करने का बोला है और उनके भी कुछ जो कुछ समस्या है, टाइम लगता है, वो उन्होंने मुझे आज बताया है। मैं एज हाउसिंग मिनिस्टर बोल के एक मुंबई में UD डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट तीनों मिलके हम एक मीटिंग लेके उसमें जो कुछ इश्यूज आते हैं टाइम माउंटेड जो होना चाहिए उसके लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के होमथॉन के माध्यम से आप नागपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, साथ ही नरेडको विदर्भ के मेंबर्स को? नरेडको का 1 साल ही हो गया उनकी स्थापना के, वो हिसाब से अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने बहुत आया, घनश्याम जी और उनके पूरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इतने बड़े स्टॉल्स इतने आना कोई मुश्किल होता है, बट उन्होंने अपनी खुद की गुडविल का इस्तेमाल करके आज करीबन 70 स्टॉल्स है और हर डिफरेंट क्षेत्र के, मुझे भरोसा है कि इसके माध्यम से नागपुर की जनता को इसके वजह से बहुत बेनिफिट मिलेगा। नरेडको विदर्भ के तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ब्रजमोहन तिवारी, मैं नागपुर और विदर्भ की सारी जनताओं को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ घर नहीं, घर के साथ में नॉलेज, कनेक्शंस और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा, लोग बोलते हैं कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता है, वो कई लोगों की आशाओं और लोगों की तमन्नाओं से बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी इच्छा है आपके घर के सपने को, आपके घर के ड्रीम को पूरा करने के लिए, उसका एक बेहतरीन मौका मिलेगा और यहाँ पर हर प्रकार की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि आपको बताया हुआ है 6 लाख से 6 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जनताओं से कि यहाँ पर आए और उसका बेनिफिट ले। नमस्कार, आज होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 नरेडको विदर्भा तर्फे टाइटल स्पॉन्सर्ड कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि द्वारका डिझाईन, पॉवर्ड बाय रुनवाल ग्रुप अँड टाटा रियल्टी, को पॉवर्ड बाय केसरलँड्स। या कार्यक्रमाचा आज इथे सांगता झाला, ज्याचे चीफ गेस्ट होते माननीय श्री अतुल जी सावे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, आणि सोबत होते गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपल्या नागपूरचे लाडके आमदार माननीय मोहन मते यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपस्थितीत आज या कार्यक्रमाची सांगता झाली। आज तुम्हा सर्वांना सांगताना मला फार आनंद होतो आहे की या इथे 60 पेक्षा जास्त स्टॉल्स आहेत, 250 पेक्षा जास्त प्रॉपर्टी तिथे डिस्प्ले झालेल्या आहेत,
आणि लोकांना 6 लाखापासून तर 6 करोडपर्यंतच्या प्रॉपर्टी इथे उपलब्ध आहेत. लोकांनी आपल्या मनातल्या आणि आपल्या स्वप्नातल्या प्रॉपर्टीची खरेदी करण्यासाठी जी वेळ होती ती आज आलेली आहे. 3 दिवस 6, 7, 8 ऑक्टोबरला हा इव्हेंट इथे रेशीमबाग मैदानावर ग्राउंड नंबर 2 इथे आयोजित केलेला आहे. तरी पूर्ण नागपूरकरांना मी विनंती करतो त्यांनी याच ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमात आपल्याला आपल्या मनपसंतीचं व आपल्या बजेटमध्ये आपल्या पसंतीच्या लोकेशनवर कुठे प्रॉपर्टी मिळेल याचा आढावा घ्या व याचा भरपूर फायदा करून घ्या. धन्यवाद. इस समय विधायक मोहन मते, विधायक प्रवीण दटके, नरेडको के अध्यक्ष घनश्याम ठोकने, उपाध्यक्ष ब्रिज मोहन तिवारी, ट्रेसरर कुणाल पडोले, साथ ही नरेडको के सभी सदस्य विशेष रूप से मौजूद थे, जहां कुल 70 स्टॉल लगे हुए हैं. नरेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि बिल्डर और डेवलपर के हित में काम करता है, ये अभी इसको सिर्फ 1 ही साल हुआ है हमारे एसोसिएशन को, लेकिन आज आप ये जो एक्सपो देखेंगे ये विदर्भ का बिगेस्ट एक्सपो है. इसमें 6 लाख से 6 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है. इसमें हम हर तकसे का, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, जो मीडियोकर सेगमेंट के लोग हो, जो अपर क्लास हो, उनको सुविधा के साथ ये कैसा हम घर दे सके ये सोच रहे हैं. इसमें हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बता रहे हैं. इसके अलावा हमारा जैसे एसोसिएशन है तो इसमें जो फील्ड में बच्चे होते हैं जैसे आर्किटेक्चर होते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ताकि वो भी आके यहाँ पे एक्सपो देख सके. एक्सपो में अभी किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन में, किस प्रकार की हाई राइज बिल्डिंग हो रही है, क्या मटेरियल यूज किया जाता है, क्या क्या सारी चीजें हो जाती है, तो ये भी नरेडको पार्श्वभूमि ले रहा है. और ये एक्सपो 3 दिन चलने वाला है, 6, 7, 8 को हमारे विरोधी पक्ष नेता श्री विजय वडेट्टीवार इसमें आने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब उस दिन रहेंगे और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर श्री विखे पाटिल साहब भी उस दिन प्रेजेंट रहेंगे. तो ये प्रॉपर्टी एक्सपो हम हर साल लेने वाले हैं और ये इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हिंदुस्तान के नेशन की जीडीपी में ग्रोथ देता है. देखिए हमारे स्पॉन्सर जो है वो कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर द्वारका डिजाइन है, फिर केसर लैंड है, फिर टाटा है, ये सारे अभी नागपुर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक अम्ब्रेला में एक छत पे आपके यहाँ पे डिस्प्ले होगा, दिखेगा. प्लॉट्स में भी कितने इनोवेटिव प्लॉट्स, हमारे पास एक स्टॉल है जो वर्धा का है, वर्धा में इतना अच्छा उन्होंने लेआउट डाला है जो कि नागपुर में भी लेआउट नहीं, तो वो भी आप आके यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो. नागपुर वासियों को संदेश देंगे कि आप समय निकाल के आइए, यहाँ पे पार्किंग की भरपूर व्यवस्था है, रेशीम बाग ग्राउंड से ये हमारा इवेंट ले रहे हैं, एसी डोम है तो यहाँ पे कोई भी इनकन्वीनियंस होगा नहीं, 70 से ज्यादा स्टॉल आप विजिट कर पाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन समझ पाएंगे, आप बिल्डर समझ पाएंगे, आप डेवलपर समझ पाएंगे, आप सैनिटरी फिटिंग्स के स्टॉल देख पाएंगे, आप लिफ्ट के स्टॉल देख पाएंगे, आप वो सारी चीज देख पाएंगे जो एक घर में लगती है. तो ए टू जेड सारी चीजों का आपका नॉलेज होगा और फाइनली त्योहारों का मौसम है तो आप अपना पसंदीदा घर, अपना घर बुक भी कर सकते हैं. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ और अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी और क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.